भाई इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के गांव देवी और एकता नगर में पानी की समस्या को लेकर आज रीदा रशीद तमाम महिलाओं के साथ में मुमरा पानी पुरोठा विभाग पर पहुंची थी। दरअसल उनके घरों में अभी भी पानी के कनेक्शन नहीं है और काफ़ी लोग परेशान हैं। वहीं गांव देवी से सटे एकता नगर में पानी का बजट भी अभी तक पास नहीं हुआ है, मगर पानी पुरोठा विभाग इन लोगों के घरों तक पानी पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। पानी पुरोठा विभाग के सालुंखे ने बताया है कि लोग पानी के कनेक्शन के लिए फॉर्म जमा करें और जो उसके लिए चार्ज है वो भी जमा करें। साथ ही कहा है कि किसी भी दलाल का सहारा न ले, खुद ऑफिस में आकर अपने फॉर्म जमा करें। रीदा रशीद ने पानी की समस्या दूर करने के लिए सालुंखे से मुलाकात की और एकता नगर में पानी का बजट निकालकर काम पूरा किया जाए ऐसा जो है उनसे कहा गया है। साथ ही ये भी कहा है कि चौल में रहने वाले 10-10 लोगों का ग्रुप बनाकर पानी का कनेक्शन लेने के लिए फॉर्म और उसके लिए जो चार्ज है वो खुद पानी पुरोठा विभाग में आकर जमा करें और पानी का कनेक्शन लें। फिलहाल लोगों को अभी भी पानी मिल नहीं रहा है और लोग खरीद कर पानी पीने को काफ़ी मजबूर है। पानी पुरोठा विभाग के सालुंखे और रीदा रशीद ने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। मैडम, पानी की समस्या लेके आप कौन कौन से इलाकों की तमाम महिलाओं को लेकर पानी पुरोठा विभाग पर आए थे और जो पानी की समस्या है ये दरअसल किस तरह की समस्या है, कि पानी नहीं आ रहा है या इन लोगों के घर पे कनेक्शन नहीं है? देखिए सभी बहनें, संजय नगर के ऊपर आप लोगों को पता है एकता चाल है, गाँव देवी है, एकता चाल के आजू बाजू का जो एरिया है चाली है, फिरोज चाल है, सभी माँ की बहनें हैं, सभी के पास कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन कुछ कनेक्शन है जो लटका हुआ है, उसमें पानी नहीं है और कितने लोगों के पास तो कनेक्शन ही नहीं है। अभी बीच में अभय योजना भी चालू किया, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या हुआ, इतनी बहनें पैसा दे चुकी, इतने बार इतने एजेंट लोग को फॉर्म भरा भरा के लोगों ने पैसा लिया है और पैसा लेने के बाद भी महीने का पैसा इन लोग से लिया गया है। देखिए एक बार कनेक्शन के लिए पैसा लिया है, सही बोल रही हूँ ना, सबको कनेक्शन के 4,000-5,000 रुपए लिया है, फिर महीना भी इन लोग से पैसे वसूल हुए। ऐसा नहीं है कि एक बार पैसा लेने के बाद इन लोग को हर महीना पैसा नहीं लिया, मतलब इधर पैसा लेने के बाद भी पानी इन लोग ने खरीदा हुआ ही है और आज भी 4-5 दिन से पानी नहीं है। लेकिन खरीदने वाले बेचने वाले लोगों ने क्या कर दिया है, 300 रुपया ले रहे थे उस जगह पे 1,000 रुपया कर दिया है, 1,000 रुपया लेके इन लोग को पानी दिया जा रहा है। इधर आके बोलते हैं तो इन्होंने कहा एक फॉर्म भरना था योजना का, वो फॉर्म भी भर के दिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, डिपार्टमेंट फॉर्म दे देता है लोगों को, लोग ले जाके फॉर्म भरवा लेते हैं। फॉर्म तो पहले भी भरा था लेकिन इस बार फॉर्म भरने में लोगों को विश्वास नहीं होता, लेकिन फॉर्म भरने के बाद भी लोगों ने सही गाइड्स नहीं किया, लोगों को सही से समझाया नहीं कि इसके बाद भी आपको पैसा भरना है। मेरे को फॉर्म दे दिया, मैंने जाके फॉर्म भरवा लिया, लेकिन आगे क्या, आगे का कुछ समझाया नहीं है। इसलिए अभी मुझे मालूम पड़ा कि आगे भी बोला गया था, जिन लोग ने फॉर्म दिया था उनको बोला गया था आगे भी फिर से इन लोग को पैसा भरना है और 10-10 की टीम बनानी है। अगर सिंगल है तो सिंगल के लिए भी इनको फॉर्म भरना है या पैसा भरना है। अभी मुझे मालूम पड़ा कुछ पट्टे के लिए योजना का पैसा मिला है, अमदार जी ने पैसा दिया है, लेकिन कुछ पट्टे के लिए, कुछ चालियों के लिए निधि नहीं है, वहाँ पर काम होगा नहीं। देखो खुली बात है, मेरे को झूठ रखना नहीं है, अच्छा तसल्ली देना नहीं है, लेकिन अभी भी एकता नगर है, एकता नगर के आजू बाजू के चाली है, उधर के लिए निधि आई नहीं है, वहाँ पर इन लोग को सिंगल कनेक्शन दिया नहीं जाएगा, ये मुझे अंदर से जानकारी मिली। इसका मतलब है हमें भी अभी 10-10 का टीम बना के ही पानी लेना है, वो भी ये लोग देंगे तो। लेकिन ये है ना, मेरे को तो ये लगता है टीएमसी से क्या बोलूँ और लोकल नेताओं से क्या बोलूँ मैं, आज सभी बहनें बाहर है पानी के लिए जाके कोई पूछ नहीं रहा है। नगर सेवक को फोन करते हैं तो नगर सेवक बोलता है या बोलती है मैं ही 3 दिन से नहाई नहीं हूँ, मेरे घर में पानी नहीं है, ये सब इन लोग को जवाब दिया जाता है। मतलब कहाँ है, खाली गाँव देवी, एकता चाल, संजय नगर का ही विषय नहीं है, पूरा मुमरा में पानी नहीं है, पूरा मुमरा में टंकर दिया जा रहा है, लेकिन कोई आके आंदोलन कर रहा है, कोई तमाशा कर रहा है, लेकिन आज
इनसे पूछिए ये आंदोलन में किसी के आना चाहते हैं। आज भी हम लोग आंदोलन लेके नहीं आए, हम लोग बात करने आए और हम लोग पानी मांगने आए हैं। पानी मांगेंगे और पानी मांग के जो कनेक्शन है जल्द से जल्द हम लोग, अब मैं इन लोगों को समझाऊंगी किस तरीके से पानी हमें लेना है, क्योंकि लीगल ही जाना है, लीगल ही इनको समझाना पड़ेगा। चालू साहब, रीता मैडम आज पानी की समस्या को लेकर आई थी कि कुछ इलाके में पानी कम जा रहा है और कुछ लोगों के पास कनेक्शन नहीं है, और एकता नगर का जो इलाका है वहाँ पर अभी कुछ ऐसा सामने आ रहा है कि वहाँ के लिए कुछ बजट नहीं है, तो क्या पूरी पानी की समस्या को लेकर इन लोगों ने आपके पास बताई है और किस तरह से आप इसको हल करेंगे? अभी जो एकता नगर के जो महिला यहाँ आई है और अभी उन्होंने जो अभी यहाँ बताया कि वो लोगों को पानी बिल्कुल नहीं है, उनके यहाँ नल नहीं है और वो पानी खरीद के लेते हैं, ये बात सामने आ गई है। तो एकता नगर जो पड़ता है गावदेवी का निचला हिस्सा पड़ता है, अभी आज की डेट में गावदेवी के एरिया में जो सब एंड पंप हाउस चालू हुआ है तो वहाँ जो लाइन बिछानी है वो एकता नगर के यहाँ अभी तक हुई नहीं है, गावदेवी की हुई है। तो एकता नगर का प्रस्ताव तैयार है, जैसे ही प्रस्ताव मंजूर हो जाएगा उस एरिया में भी उनके घर के सामने पाइपलाइन का काम होके उनको कनेक्शन दिया जाएगा। ये रिदा मैडम को भी आश्वासित किया है और लोगों को भी आश्वासित किया है। दूसरा यह है कि तब तक ये लोगों की अभी जो समस्या चल रही है ये खरीद के लेते हैं, वो इलीगल है। लोगों ने किसी दूसरे को पैसा देके मुझे सवाल पूछना कि हमने पैसा दिया है और पानी दो, ये गलत बात है। ये बात लोगों को भी मैंने बता दी है। अभी वहाँ सार्वजनिक जो नल बोला जाएगा, तो सार्वजनिक नल जिसके ऊपर आप एक नल के ऊपर 10-10 लोग पानी भर सकते हैं, ये टेम्प्रेरी व्यवस्था, जब तक इनके घर के सामने पाइपलाइन नहीं पड़ती है तब तक ये टेम्प्रेरी व्यवस्था हम कर रहे हैं और वो काम हम कल से ही चालू करेंगे। आज उसका सर्वे हो जाएगा कि जहाँ से महिलाओं को नज़दीक पड़ेगा, पानी भरने के लिए आसान पड़ेगा, वो लोकेशन आज फाइनल करेंगे और मटेरियल परचेज का ऑर्डर दे देंगे और कल से हम वहाँ काम चालू करेंगे। और आपके माध्यम से मैं लोगों को ये भी अपील करता हूँ कि किसी एजेंट के पास, किसी दूसरे लोगों के पास पैसा हैंड ओवर मत करो, उसकी जिम्मेदारी थाने महानगर पालिका प्रशासन नहीं लेगा। आपको पैसा भरना है वाटर डिपार्टमेंट में आके पैसा भरना है और जो पैसा भरा है उसका रिसीट लेना है। प्रशासकीय चार्ज जो शुरू आपने अभियोजना के जो फॉर्म 31 मार्च के पहले भरे हैं लेकिन उसका आपने पैसा भरा नहीं है तब, तो इसीलिए उसके फॉर्म की मंजूरी अभी भी पेंडिंग है। तो आपको शुरू में उसका 1500 प्रशासकीय चार्ज भरना है और उसके बाद 4500 तीन साल का पानी बिल भरना है उसमें। तो ये हर लोगों के लिए यही चार्ज रहेगा। आपको अगर कोई लोग बोलते हैं कि 10,000 भरना है, 15,000 भरना है, वो सारी गलत बात है। आपको जो गाइडेंस मिलेगा ये वाटर डिपार्टमेंट में ऑफिस में कभी भी आके आप पूछ सकते हो, लेकिन आपने यहाँ आके ये दावा करना कि मैंने फलाना आदमी को पैसा दे दिया है, ये टोटली एक्सेप्टेबल नहीं है, ये इलीगल बात है। तो ऐसा पैसा किसी के हाथ में आप दे दो मत। थाने महानगर पालिका में आप जहाँ भी पैसा भरते हो वहाँ से जितना पैसा भरा है उसका आप रिसिप्ट लें।